सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले, अगर आप अपने YouTube चैनल पे वीडियोस पे व्यूज को इंक्रीज करना चाहते हो तो किस टाइम पे अपने जो वीडियोस है उसे अपलोड करना चाहिए। तो देखिए, YouTube चैनल पे वीडियोस अपलोड करने का सही टाइम कोई फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। तो मेन जो काम होता है अपने सब्सक्राइबर बेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास अच्छी खासी सब्सक्राइबर है तो किसी भी टाइम पे अपने चैनल पे वीडियोस को अपलोड कर सकते हो। इस पर कई यूट्यूबर कई एक्सपेरिमेंट कर चुका है, ठीक है। इस पर कोई खास इफेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपके पास पहले आपको चैनल को क्रिएट किया है, ठीक है, तो अगर आपके पास सब्सक्राइबर बेस नहीं है तो आपको एक फिक्स टाइम को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आप शाम पे वीडियोस अपलोड करते हो तो शाम पे अपलोड करना है, अगर आप सुबह वीडियोस अपलोड करते हो तो सुबह अपलोड करना है, ठीक है, ताकि आपका जो ऑडियंस उसे पता चल सके क्या ये क्रिएटर इसी टाइम पे वीडियोस को अपलोड करते हैं। तो उसी टाइम पे अपना जो एक्टिव ऑडियंस होता है वो रहता है, अपनी वीडियोस पे व्यूज को इंक्रीज करता है, ठीक है। क्योंकि जिस टाइम पे अपना जो ऑडियंस एक्टिव रहेगा उसी टाइम पे अगर आप अपनी वीडियोस को अपलोड करते हो उसके पास नोटिफिकेशन जाएगा। अगर सब्सक्राइबर करके रखा है और बेल नोटिफिकेशन अगर ऑन करके रखा है तो उसके पास नोटिफिकेशन जाएगा। नोटिफिकेशन जाने से आपके पास वीडियोस पे क्लिक होने के चांसेस बढ़ जाता है और आपकी व्यूज भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो लेकिन अगर आपके पास सब्सक्राइबर बेस नहीं है तो आपको फिक्स टाइम एक को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और मेरा अगर पर्सनल बात करूँ तो मेरे पास एक सेकंड चैनल है, ठीक है, जिस पर आप करीब 5000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है। उस चैनल का जो एनालिटिक्स उसको मैं एक्सप्लेन करके आपको बता देता हूँ किस टाइम पे मेरा जो सब्सक्राइबर मेरे जो ऑडियंस है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है, ठीक है। तो चलिए आप मिलते हैं अपने डायरेक्ट अपने YT स्टूडियो एप्लीकेशन पे। तो सबसे पहले मैं अपना जो YT स्टूडियो एप्लीकेशन है उसे ओपन कर लेता हूँ। तो YT स्टूडियो एप्लीकेशन हो जाने के बाद मेरा जो चैनल का एनालिटिक्स है वो दिखाई देगा, ठीक है। तो सिंपली आपको नीचे एनालिटिक्स का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली उस पर टैप कर देना है, ठीक है। तो एनालिटिक्स पे क्लिक करने के बाद आपको इस जगह पे दिखाई देगा व्यूज़, अपना जो होता है वो वॉच टाइम हो गया, सब्सक्राइबर, ये सब दिखा देता है। सिंपली आपको ऑडियंस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ऑडियंस पे जब क्लिक करोगे आपका रिटर्निंग व्यूअर्स दिखाएगा, यूनिक व्यूअर्स दिखाएगा और सब्सक्राइबर कितना गेन हुआ वो दिखा देगा। उसके नीचे आपको दिखाई देगा व्हेन योर व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब, यानी कि किस टाइम पे यूट्यूब पे अपना जो व्यूअर्स है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो उस पर मैं अगर अपना क्लिक करता हूँ तो आपको दिखाई देगा मेरा जो ऑडियंस है वो शाम के टाइम पे ज़्यादा एक्टिव रहता है, ठीक है, यानी कि शाम के 6 बजे से लेकर अपना जो ऑडियंस है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो आपको भी देखना अपने एनालिटिक्स पे जाके अपना जो व्यूअर्स है वो किस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव रहता है, ठीक है। तो अगर आपका एनालिटिक्स अभी तक ऑन नहीं हुआ है तो आपको क्या करना होगा, एक टाइम को फिक्स कर लेना है, या फिर सुबह या फिर शाम को फिक्स कर लेना है और फिक्स टाइम पे अपना जो वीडियो है वो अपलोड करते जाना है, ठीक है। तो आपको भी अपने ये चैनल के हिसाब से चैनल के एनालिटिक्स के हिसाब से वीडियोज को अपलोड करते जाना है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर अपने चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सिलेक्ट कर देना, ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।